नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लोनाफिट टैबलेट के बारे में कि अगर आप क्लोनाफिट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं क्लोनाफिट टैबलेट का किस केस में उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है या फिर अगर आपको नींद नहीं आती है तो उस केस में अगर आप क्लोनाफिट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो मोटे हो जाते हैं उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वो लोग अगर क्लोनाफिट टैबलेट का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों बेसिकली ये आता है दो वेरियंट में क्लोनाफिट, एक तो आता है 0.25, एक आता है 0.5। दो वेरिएंट में आता है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, थोड़ा सा हाई है, तो उस केस में आप 0.25 का प्रयोग करिए, और आप अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो उस केस में आप 0.5 mg का प्रयोग करिए। इसके साथ में आप एसीलाक टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोनाफिट का और एसीलाक टैबलेट का, दो टैबलेट का आप सुबह शाम प्रयोग करिए अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो। कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड में थिंकिंग रहती है, तो वो लोग भी चाहें तो क्लोनाफिट टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स की बात, बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि अगर आप काफ़ी दिनों तक इसका प्रयोग करते रहेंगे तो इसके आप हैबिचुअल हो जाएंगे, यानी इसके आपको हैबिट हो जाएगी कि अगर आप इस टैबलेट को नहीं खाएंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो ये इसके हैं साइड इफ़ेक्ट जो हम आपको बता रहे हैं कि आप जैसे आपको प्रॉब्लम है तो आप एक हफ्ते तक प्रयोग करिए, उसके बाद में बंद कर दीजिए, या फिर अगर फिर भी नहीं बंद हो पा रहा है तो आप दूसरे तीसरे दिन इसका प्रयोग करिए, लेकिन रेगुलर दोनों टाइम इसका प्रयोग ना करें अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो। कुछ लोगों की BP जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है तो उनको दोनों टाइम दवा लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग कि BP उतनी हाई नहीं रहती है, लेकिन जैसे 2-4 दिन दवा खाए वो तो उसके बाद में उनकी धीरे धीरे हैबिट होने लगती है। तो अगर आपने लगातार 1 महीने तक प्रयोग कर लिया इसका क्लोनाफिट का तो आपको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप क्लोनाफिट का यूज़ करने जा रहे हैं टैबलेट का, चाहे आपकी BP बढ़ी हो या फिर आप डिप्रेशन में हो, आपको नींद नहीं आती है, तो आप थोड़े दिनों तक इसका प्रयोग करिए, उसके बाद में प्रयोग करना धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप जब छोड़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप लगातार क्लोनाफिट टैबलेट का काफ़ी दिनों तक प्रयोग कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी जो सांसें हैं वो बढ़ने लगेंगी, आपकी बॉडी तो ठीक ठाक रहेगी, आपकी बॉडी से धीरे धीरे करके एनर्जी जाने लगेगी, जैसे आप थोड़ा सा चलेंगे आपको थकावट महसूस होने लगेगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा दौड़ लेंगे आपको खांसी आने लगेगी, खांसी के साथ में आपको खून की उल्टी भी आ सकती है, इतना डेंजरस टैबलेट होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रेगुलर इसका प्रयोग करें जिससे आपको नुकसान देखने को मिल सके। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की, इसके फार्मूले कौन कौन से डाले गए हैं। तो इसमें सिंगल फार्मूला डाला गया है जो है क्लोनाजेपाम, क्लोनाजेपाम फार्मूले की आती है और डिस्पेसेबल टैबलेट होती है, मीठी टैबलेट होती है। तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो अगर आपको BP की प्रॉब्लम है या फिर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के शिकार हैं आप, तो उस केस में आप इसका प्रयोग करिए, लेकिन रेगुलर प्रयोग मत करिए। जब आपको नीड हो, आपको लगे कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप इसका प्रयोग करें, अदरवाइज इसका प्रयोग ना करें, नहीं तो अगर आपकी हैबिट होगी तो उस केस में आप परेशान हो जाएंगे, आप जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे इसको। इस टॉपिक पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारा नहीं छूट रहा है, तो उनको भी हमने उस वीडियो में बताया था कि जिससे आप रेगुलर खा रहे हैं, कुछ लोग तो पूरे स्ट्रिप को खा जाते हैं एक साथ में, हमने कई लोगों को ऐसे देखा है कि पूरे स्ट्रिप को खा जाते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमने उन लोगों को रिकमेंड किया, बताया जैसे आप रेगुलर जैसे 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम में प्रयोग करें तो आप 1-1 टैबलेट करके 3-4 दिनों तक प्रयोग करिए, उसके बाद में आप 1-1 दिन छोड़ कर प्रयोग करिए, यानी स्लोली स्लोली करके आप इसे छोड़ दीजिए, तभी छोड़ पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं 1 पत्ते रोज का और एकदम से आप छोड़ देंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे आप। धीरे धीरे करके छोड़िए और जो अपनी इच्छा शक्ति है उसे जगाइए कि हमें इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है, अपने मन के अंदर सोचिए। बाकी कोई दवा नहीं आती है जिसके खाने के बाद में आपको क्लोनाफिट या फिर किसी भी नशीली दवा खाने की आदत छूट जाए, तो आपको दृढ़ इच्छा रखना होगा, आप इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा कि हमें इस दवा को खाना छोड़ना है, तभी आप छोड़ पाएंगे। और हमने आपको इसका स्टाइल भी बता दिया किस तरह से छोड़ना है, जैसे आप 2 टैबलेट खाते थे 1 टैबलेट खाइए, दिन में 2 बार खाते
थे, एक बार खाइए धीरे धीरे करके, ऐसे ऐसे करके छोड़ दीजिए। तो इससे आपको छोड़ने में भी आसानी होगी और आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया और जो जानकारी हमने आपके साथ में ना शेयर की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।